हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एंड मॉस वर्ल्ड ब्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो ये मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट ब्लॉग है। मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं गर्म पानी करके पीने वाली हूँ। गर्म पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह सबको पीना चाहिए। और दूसरी बात, थोड़ा सा गर्म पानी पी लो तो ठंडी भाग जाती है, इसीलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ। क्योंकि इतने सारे बर्तन अभी घिसने हैं मेरे को, रात में घिसी नहीं थी, मतलब बर्तन धोई नहीं थी, क्योंकि गई थी मैं सब्जी मंडी मार्केट, राम का कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था, यही सब, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं नहीं कर पाई और सुबह उठ के कर रही हूँ। बर्तन धुल गए, पानी लगा दी हूँ गर्म होने के लिए। अब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, इसके बाद मैं नहाऊंगी। तो ये देखिए, मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश आ चुकी हूँ और अब मेरी ठंडी बिल्कुल जा चुकी है, मतलब मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आटा रखा हुआ है, देखिए अब मैं आटा लगाऊंगी और सब्जी रोटी लंच बनाऊंगी राम के लिए। राम जो है तो अब स्कूल जा चुका है और जो कल मैं सामान लेके आई थी वो सब खोल के रख रही हूँ। ये भगवान जी की दिया बाती है और सब्जियाँ हैं, नूडल्स हैं और भी थोड़ा बहुत सामान है। तो अब सब्जियों को धो धो के रखूँगी ताकि उनका पानी निकल जाए, और जो किराने का आइटम है वो सब रखूँगी। तो सब्जियों में मैं क्या क्या लेके आई थी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, यही सब कुछ मैं लेके आई थी सब्जियों में। ये आटा नूडल्स है और शाम को बनेगा आटा नूडल्स, इसीलिए इतनी सारी सब्जियां आई हैं। और अब मैं इतना काम करने के बाद मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ। अभी दिखाती हूँ कैसे मैं सब्जियां धो के रखी हूँ जाली में, तो इनका पानी निकल जाएगा तो फिर जमा दूँगी। इनका जो जाली स्टैंड है और ये हरा धनिया, इतना कचरा निकला है। और नाश्ता करने के बाद अब मैं दोबारा से चाय पी रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडी है इसलिए मैं चाय पी रही हूँ दोबारा से। और ये देखिए, मैंने इस जाली स्टैंड में सारी सब्जियाँ एक एक करके मैं जमा रही हूँ। कुछ पुरानी सब्जियाँ पड़ी थी तो उनको किनारे करके और नई नई सब्जियाँ लगा रही हूँ लाइन से। एकदम फ्रेश फ्रेश हरी हरी सब्जियां हैं, दो तीन दिन में सारी मुरझा जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो गाजर का तो हलवा बन जाएगा, मैगी बन जाएगी। और ये जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर था इसका, तो इसके पेपर जो है बहुत गंदा हो चुका था, अब इस पेपर को निकाल के फेंक रहे हैं। यहाँ प्याज आंटी रहती हैं तो ये नया पेपर बिछा दिए प्याज आंटी के लिए, तो ये प्याज आंटी जो है तो सो चुकी हैं इसमें। और सारी सब्जियां इस तरह से अपने अपने रूम में सेट हो चुकी हैं। इसके बाद ये हरा धनिया के लिए कोई रूम बना नहीं है, हरी मिर्ची के लिए रूम बना हुआ है, दिखा रही हूँ। अभी मटर भी छीलना है मुझे, कॉलेज भी जाना है, ये हरी मिर्च का रूम है, हरी मिर्च भी सेट हो गई अपने रूम में। और कल शाम को मैं साईं मंदिर गई थी, ये देखिए साईं बाबा बैठे हैं साईं मंदिर में, इतना बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। मैं कल सब्जी मंडी गई थी तो वहीं पे मंदिर है, तो वहीं का मैं वीडियो थोड़ा सा लेके आई। और